वेलकम बैक। इस वक्त बराह रास्त आपके लिए चलेंगे कराची, जहां पर सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो मुल्क के दीगर सूबों में भी देखेंगे वहां पे क्या अख्तियार है, क्या वहां पे जो मेयर साहिबान के लिए कवानीन बनाए गए हैं क्या उनको चीफ मिनिस्टर साहब के तमाम इख्तियार दे दिए गए। इस वक्त पीटीआई की वफाक में भी हुकूमत है और तीनों सूबों में हुकूमत है, केपी, पंजाब, बलूचिस्तान, इसी तरह जीबी और आज़ाद कश्मीर में भी। लेकिन ये जो तीन सूबे हैं वहाँ पे जो कवानीन इस वक्त लाए गए हैं, ख़ास तौर पर अगर आप अभी भी इलेक्शन कल हुआ है केपी में, वहाँ के जो लॉज हैं इनके बल्दियात के वो चेंज हैं। जो पंजाब में उन्होंने पास किया है वो चेंज है। पंजाब में तो उन्होंने ये, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्त हम पर तनकीद करते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। पंजाब में तो किसी से उन्होंने मशावरत नहीं की, पंजाब में कैबिनेट से पास किया, असेंबली में भी नहीं लाए और ऑर्डिनेंस निकाल दिया, लेकिन वहाँ पे कोई बात नहीं की जाती। लेकिन सब लोग पॉलिटिकली तौर पर पॉइंट स्कोरिंग जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम हैं सिराज साहब, वो कल मेरे ख्याल में यहाँ आए हुए थे कहीं पे। कल तो इलेक्शन केपी में चल रहा था, उनको तो वहाँ पे होना चाहिए था। अगर केपी में जो इख्तियारात वो यहाँ के मेयर के लिए मांग रहे हैं, अगर यही इख्तियारात पेशावर के मेयर के पास है तो हम हाजिर हैं और मैं दिल से इज्जत करता हूँ। लेकिन उन्हें भी, और हम गए हैं जमात इस्लामी के दोस्तों से मिले हैं, कुछ उन्होंने बताई हैं इशूज़, कुछ सिफारशात थीं जो हमने इसमें रखी हैं और मज़ीद भी उस पर बेहतरी आ सकती है। मैं तो आपके तवसुत से MQM के दोस्तों से भी कहता हूँ, PTI के दोस्तों से भी कहता हूँ, जमात इस्लामी के दोस्तों से, जमात उलमा इस्लाम के जो दोस्त हैं, या PSP के जो हमारे दोस्त हैं, PMLQ के दोस्त हैं, GDA के हमारे जो दोस्त हैं, और जो भी यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, ना सिर्फ पूरे सूबे के जो भी हैं, तो वो हमें PMLN वाले हैं, शाह मोहम्मद शाह साहब से भी हमारे डेलीगेशन की मुलाकात हुई है, तो हम तो सबसे मशावरत कर रहे हैं। और फिर ये कहा जाता है कि जी कोई मशावरत नहीं की गई, ये जो सब ने सिफारशात भेजी थी ये मशावरत ही होती है, और क्या होता है कि उन्हीं में से हमने उनके पॉइंट्स लिए और इसमें रखे हैं सबके। अब ये तो नहीं हो सकता कि जिस तरह का भी वो कोई चाहे वही कवानीन हम बनाएं। ज़ाहिर है हमारे भी चाहते हैं कि इनको ज़्यादा एम्पावर करें, बेहतरी लाएं, और उसके साथ साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, वहाँ भी इश्यूज आते हैं। तो ये इश्यूज थे, आपके साथ शेयर किए आपके कुछ सवाल हो। जी, पिछले 4 सालों में, जो 3.5 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने महकमे बल्दियात के पैसे कौन से कानून रेवेन्यू जनरेशन में, जो इंक्रोचमेंट खत्म करने में, या बिल्डिंग बाइलॉज के पर आमद दरामद में, महकमे बल्दियात की कोई स्पेसिफिक कारकर्दगी जिसको आप अचीवमेंट अपनी कहें। जी बिल्कुल, देखें हमने, आप क्योंकि बहुत ज्यादा आता है, पॉइंट आउट होता है बिल्डिंग कंट्रोल का, वहाँ पे हमने इजी उसके लिए जो 3.99 के जो थे उनको 1 विंडो अप कर दिया है ताकि वो आसानी हो सके। फिर ये जो एक बहुत ज़्यादा गैर कानूनी तामीरात होती थी उनको रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज कमेटीज़ बनाई हैं, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, SSPs और मुख्तलिफ इदारों के लोग जो हैं, देखें असल काम लैंड ओनिंग एजेंसीज का होता है, बाद में ये बात की जाती है कि जी अप्रूवल्स इस तरह के दिए गए, सही दिए गए या गलत दिए गए, या कहीं पे अगर कोई तामीरात हो रही है तो उसका एज अ सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदा या मिनिस्टर होने के, तो सारी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन कराची में सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।